यार अब मैंने वीडियो बनाई थी बियर्ड के ऊपर कि आपकी बियर्ड कैसे बढ़ेगी, जिस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और 1,70,000 लोगों ने देखी है वो वीडियो। तो पहली बात तो थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए मेरी उस वीडियो को। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछ रहे थे स्पेशली बियर्ड ऑयल से रिलेटेड कि सर बियर्ड ऑयल से कुछ होता है या नहीं होता है, बेस्ट बियर्ड ऑयल कौन सा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक बियर्ड ऑयल के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बेस्ट 5 बियर्ड ऑयल्स बताने वाला हूँ जिनको मैंने खुद यूज किया है। अब ये जो मैंने लिस्ट बनाई है 5 बियर्ड ऑयल्स की, ये बेसिकली दो फैक्टर को दिमाग में रखते हुए बनाई है। एक तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और दूसरी चीज ये कि यार ये प्राइस फ्रेंडली कितना है, पॉकेट फ्रेंडली कितना है, कितना सस्ता मार्केट में लोगों को पड़ रहा है। अब यार मैं अपनी वीडियोस में आपको पता ही होगा कि कोई भी इलॉजिकल बात नहीं बोलता हूँ, जो भी चीज़ बोलता हूँ वो वेल रिसर्च्ड होती है, साइंस बेस्ड होती है। तो आज ये चीज़ मैं आपको पहले भी जो बता चुका हूँ दोबारा से बता देता हूँ कि 50-60% और कभी कभी 70% तक आपके जीन्स पर डिपेंड करते हैं आपकी बियर्ड के जितने भी इश्यूज हैं, बट जो बचे हुए 30-40% रह जाते हैं वो आप नेचुरल ऑयल्स से सॉल्व कर सकते हो, उन प्रॉब्लम्स को आप इजीली जो है ठीक कर सकते हो नेचुरल ऑयल से। और लाइव एग्जांपल मैं खुद आपके आगे बैठा हुआ हूँ, मेरे पहले पैचेस हुआ करते थे जो कि मैंने आपको पुरानी वीडियोज में भी बताया हुआ है, इस वीडियो में भी आपको इमेजेस पे यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे पहले पैचेस हुआ करते थे बियर्ड में, जो कि अब ठीक हो चुके हैं धीरे धीरे। बाकी बियर्ड केयर सीरीज की मेरी 5th वीडियो है और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा देना। अगर जो कोई भी आपके दिमाग में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं। बाकी बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो 5th नंबर पे बियर्ड ऑयल है वो है मेन आर्डन। अब जो यार ये ब्रांड है आपको 50 ml मिलेगा 290 रुपए का, जो कि मैं अगर जो कंपेयर करूँ अपनी जो बाकी की लिस्ट में आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ तो ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है। अब अगर जो मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर है एवोकाडो ऑयल, आलमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, और स्मेल भी इसकी काफ़ी अच्छी है, यानी कि अगर जो आपको कुछ फ्रेग्रेंस होती है जो अच्छी लगती है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ों को अगर जो मैं कंपेयर करूँ तो ओके बियर्ड ऑयल है, इसीलिए मैंने इसको 5th नंबर पर अपनी लिस्ट में रखा है। अब जो 4th नंबर पर बियर्ड ऑयल है वो है अर्बन गबरू का, और यार ये आपको मिलेगा 30 ml 290 रुपए का, यानी कि अगर जो मैं मोटा मोटा देखूँ तो इससे पहले वाली जो कंपनी थी यानी कि जो मैन आर्डन है उससे ये कंपैरेटिवली महंगा है, क्योंकि वहां पर आपको मिल रहा था 50 ml, यहां पर आपको मिल रहा है 30 ml। और अगर जो मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है यानी कि जो नेचुरल ऑयल्स इसके अंदर है वो है सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल। अब ये जितने भी ऑयल्स हैं ये आपकी बियर्ड को ग्रो करने में भी हेल्प करेंगी, स्मूदन करने में भी हेल्प करेंगी, थिन से थिक भी करेंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है इस बियर्ड ऑयल से। और यार अर्बन गबरू एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत पहले से मैं सुनता आ रहा हूँ, बहुत एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स इसके रहे हैं स्टार्टिंग से, इसका वैक्स बहुत ज़्यादा फेमस रहा है लड़कों में और इसके सारे ही प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, इसलिए इसको मैंने अपने 4th नंबर पर रखा है लिस्ट में। और यार मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताएं कि आप कोई बियर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जो 3rd नंबर पर है वो है बियर्डो का बियर्ड ऑयल। अब यार ये मार्केट में एक बहुत ज़्यादा इमर्जिंग तरीके से आगे बढ़ रहा है बियर्ड ऑयल, और मैन आर्डन और अर्बन गबरू के बाद जो 3rd नंबर पर मेरी लिस्ट पर आता है वो यही बियर्ड ऑयल है। और इन्होंने जो नेचुरल ऑयल्स यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा अलग है, थोड़े से डिफरेंट मुझे लगे हैं बाकी बियर्ड ऑयल से। तो इसके अंदर जो नेचुरल ऑयल्स है वो हैं सीसम ऑयल, रोज़, विटामिन B6 एंड कोकोनट ऑयल। अब ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके बियर्ड ग्रोथ में, उसको रिन्यू करने में, उसको रीग्रो करने में। तो अगर जो ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए तो ये बियर्ड ऑयल आपके लिए है। अगर जो मैं प्राइस की बात करूँ तो यार मैन आर्डन से तो बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन वहीं जो दूसरा है अर्बन गबरू उसके ऑलमोस्ट सेम प्राइस में है। अब जो 2nd नंबर पे बियर्ड ऑयल है वो है बॉम्बे शेविंग का, और यार इसके लिए मैंने मतलब एज अ मॉडल मैंने बहुत सारी शूट्स भी करी हैं बॉम्बे शेविंग के लिए, और साथ में इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन भी करी है इस ब्रांड के साथ मैंने। लेकिन इन सब चीज़ों से हटके यार इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके रिव्यूज़ भी जब आप चेक करोगे, और ये जो मार्केट में फेमस हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट्स के चक्कर में फेमस हुआ है। और जो दूसरी चीज़ सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसकी लगती है वो ये है कि यार अभी तक हमने बात करी है 30 ml, 35 ml, 50 ml की बॉटल की, ये आपको मिलेगा 90 ml का, और वो भी सिर्फ 560 रुपये कह रहा हूँ, यानी कि इससे सस्ता मुझे नहीं लगता मेरी लिस्ट में कभी आगे भी बियर्ड ऑयल होने वाला है जितना सस्ता ये है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका चलेगा, पॉकेट फ्रेंडली है, और जो कंपनी क्लेम करती है और जो रिजल्ट से भी पता चलता है वो ये है कि यार ये आपके बियर्ड के पास की जो स्किन है उसका ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा कर देती है, जिसकी वजह से बियर्ड ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जो नेचुरल ऑयल्स इन्होंने यूज़ करे हैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक और बहुत ज़्यादा इंडियन टच के हैं, जो कि आपने अपनी दादी से, अपनी मम्मी पापा से भी सुना होगा। तो जो नेचुरल ऑयल्स ये यूज़ कर रहे हैं वो है आमला ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, सीसम ऑयल, जोजोबा ऑयल। तो ये वो सारे ऑयल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक और आपके हेयर ग्रोथ यानी कि आपके बियर्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जो 1st नंबर पे यानी कि जो कि ऐसा ब्रांड जिसने टॉप की है मेरी लिस्ट वो है उस्तरा बियर्ड ऑयल। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन है जो आपको अभी पता चलेंगे कि यार आपको पता है कि मैंने सारी वीडियोज में नेचुरल ऑयल्स को कितना ज़्यादा प्रेज किया है, कितना ज़्यादा बताया है कि उसके फायदे कितने हैं आपके बियर्ड के लिए, और ये इकलौता ऐसा बियर्ड ऑयल है
जिसके अंदर 8 नेचुरल ऑयल्स हैं, प्लस वो सारे के सारे ऑयल्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं जो कि आपके बियर्ड ग्रोथ में, आपकी बियर्ड को नरिश करने में, आपकी बियर्ड की केयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ में इसमें विटामिन ई भी है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब जो इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स हैं वो हैं आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, एलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पक्का ट्राई करनी चाहिए अगर जो आप फर्स्ट टाइम बियर्ड ऑयल्स को ट्राई कर रहे हो तो। बाकी जो इसका प्राइस है वो 350 रुपये का आपको अराउंड पड़ेगा 35 ml, और यही चीज़ बोलूँगा कि ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स और इन सब को अगर जो मैं कंपेयर करूँगा तो नंबर वन पे उस्तरा बियर्ड ऑयल ही रहेगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर जो आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली ट्रांसफॉर्म करूँ, आपको ग्रूम करूँ, तो नीचे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको बियर्ड नहीं आती है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।